हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लॉजिक प्रेस्टेशन। सो दिस इज़ माय न्यू वीडियो एंड मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाता है वीडियोस बनाने में बिकॉज मेरी स्टडी के वजह से। सो इसलिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है मुझे वीडियोस बनाने में, बट इस टाइम तो मेरी छुट्टियाँ चल रही हैं तो अभी मैं आपके लिए थोड़े बहुत वीडियोज़ लाता रहूँगा और फिर एडिटिंग वगैरह में भी थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है तो इसलिए मेरे वीडियोस काफ़ी लेट आते हैं। सो आज हम आपके लिए यहाँ पर लाए हैं एक क्रोम ब्राउज़र का वीडियो, क्रोम ब्राउज़र का लोगो कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे एक सर्कल चूज़ कर लेना है। सर्कल चूज करने के बाद, सॉरी गाइस, मेरा थोड़ा सा यहाँ पे साइज कम था इसका, तो मैं यहाँ पे साइज फुल कर लेता हूँ। तो फुल करने के बाद में तो कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया है, चलो वैसे ये सही है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक सर्कल कर देना है। सर्कल करने के बाद में अब आपको, आप नीचे यहाँ पे क्रोम का लोगो देख सकते हो, तो यहाँ पे आपको एक बीच में भी सर्कल होता है, तो यहाँ पे बीच में भी एक सर्कल हमें कर देना है अपने हिसाब से, बिल्कुल बीच में सेंटर में आपको रखना है। एडजस्टमेंट तो आप कर ही लोगे। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, यहाँ पर बिल्कुल एक पतली सी लाइन कर लेते हैं, सबसे छोटे साइज। यहाँ पर लेते हैं हम स्केल एंड तो सबसे पहले उसके लिए हम लेते हैं यहाँ पे रेड कलर। तो रेड कलर से आपको यहाँ से आपको अपना पॉइंट रखना है और यहाँ तक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन यहाँ पे आपको कर देनी है जैसा मैं कर रहा हूँ। और अब आपको फिर यहाँ पे आपको येलो कलर सेलेक्ट कर लेना है। येलो कलर सेलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पर इसको ऐसे कर देना है बिल्कुल। तो यहाँ पर एक ये लाइन हो गई, एक ये लाइन हो गई। अब आता है हमारा ग्रीन कलर, जो कि आप देख सकते हो साइड में यहाँ पे होगा, अब देखो इसमें अपने क्रोम के लोगो में। सो यहाँ से हम इसको ऐसे कर देते हैं। तो गाइज यहाँ पर हमारा फिलहाल स्ट्रक्चर तो बन के रेडी हो चुका है, अब हमें यहाँ पे कलरिंग करनी है। सो कलरिंग के लिए यहाँ पर हम सबसे पहले ले लेंगे अपना फिल विद कलर एंड यहाँ पर हम कर लेते हैं ग्रीन एंड जहाँ पर हमने येलो की आउटलाइन की थी वहाँ पे येलो और यहाँ पर कर लेते हैं हम रेड। एंड अब आती है यहाँ पे बीच की बात, तो बीच में आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको एक सर्कल ले लेना है। सर्कल लेने के बाद यहाँ पे आपको ब्लैक कलर अभी चूज कर लेते हैं यहाँ पे, चलो कोई नहीं, थोड़ा सा छोटा है वहां पे नहीं बनाते हैं। यहाँ पर हम करके यहाँ पर साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं बिल्कुल सेंटर में। तो अब आपको क्या करना है, इसमें आपको ब्लू कलर फिल कर लेना है बिकॉज मेरे पास जैसा सेम क्रोम के लोगो में होता है वैसा कलर तो नहीं है, बट इस टाइप का मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको फिल कर लेना है और आप देख सकते हो यहाँ पे आपका क्रोम का लोगो रेडी है। यहाँ पे हम कर देते हैं टेक्स्ट में। तो यहाँ पे टेक्स्ट में के लिए आपको यहाँ पर ए वाले लेटर पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक बॉक्स बना देना है। बॉक्स बनाने के बाद अब यहाँ पर आपको अपना फॉन्ट वगैरह आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा मेरा लैपटॉप गड़बड़ कर रहा है हल्का फुल्का, मैंने गलती से गलत क्लिक कर दिया था। तो यहाँ पर हमने बनाया है क्रोम, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कैप्स लॉक ऑन करते हैं सी और गलत कलर था, अभी हम बाद में भी फॉन्ट वगैरह को सही कर देंगे। क्रोम ब्राउजर तो होता नहीं है, सिर्फ क्रोम ही लिखा होता है।
ई लगाना मैं भूल गया था। तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो क्रोम का तो रेडी। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा अपना ये फॉन्ट सही कर लेते हैं, तो कंट्रोल प्लस ऑल पे क्लिक करते हैं, सारा फॉन्ट मेरे कंट्रोल में आ चुका है। यहाँ से इसे इटैलिक से हटा देते हैं, तो ये हमारा हो गया सही साइज का। अंडरलाइन तो हम रखेंगे रखेंगे, तो यहाँ थोड़ा सा हम इसका फॉन्ट छोटा कर दें, 78 है, तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ 48, सही है। अब इसको उठा करके जैसे थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं पहले। अब हम इसको उठा करके बिल्कुल सही से ले आते हैं, यहाँ से भी थोड़ा सा नीचे। तो गाइस यहाँ पर हमने बिल्कुल सही से कर दिया है। अगर आप कलर करना चाहते हो, तो मतलब कलर कोई डिफरेंट करना चाहते हो, तो कंट्रोल और ऑल पे क्लिक कर दीजिए, कंट्रोल प्लस ए इज इक्वल टू कंट्रोल ऑल। तो यहाँ पर अब आप जिस भी कलर पे क्लिक करोगे ये उस कलर का होता जाएगा, आप देख सकते हो। तो मुझे तो ब्लैक ही रखना है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं। अगर आप फॉन्ट चेंज करना चाहते हो, तो जहाँ पर ये लिखा हुआ है बलोनी एम टी ब्लैक, यहाँ पर आप क्लिक करके कोई सा भी फॉन्ट चेंज कर सकते हो। मैं चेंज करके देखता हूँ, चलो गाइस ये आ गया, बिल्कुल ही घटिया सा फॉन्ट है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।